पठान के साथ शाहरुख खान ने 4 साल बाद बड़े पर्दे पर वापसी की है और चौथे हफ्ते में प्रवेश करने के बाद भी शाहरुख, दीपिका और जॉन अब्राहम की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है, क्योंकि नई फिल्मों की दस्तक और बॉक्स ऑफिस पर फिल्म की धीमी रफ्तार भी इस एक्शन थ्रिलर को नए रिकॉर्ड्स बनाने से रोक नहीं पा रहे हैं। यही नहीं, पठान ने जहां भारतीय बॉक्स ऑफिस पर बाहुबली 2 को धूल चटा दी है, वहीं वर्ल्ड वाइड भी फिल्म ने एक ऐसा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है जो सभी को हैरान कर रहा है। दरअसल पिछले महीने 25 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई शाहरुख खान की एक्शन थ्रिलर पठान ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार शुरुआत की थी और 26 दिन बिताने के बाद भी इसकी रफ्तार धीमी होने का नाम नहीं ले रही है। यही नहीं, भारत में जहां सबकी जुबां पर बस एक ही नाम पठान है, वहीं विदेश में भी किंग खान के नाम का परचम बखूबी फहरा रहा है। वहीं अब 19 फरवरी को फिल्म पठान ने दुनिया भर में 1,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर एक और इतिहास रच दिया है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड 1,000 करोड़ रुपए का जादुई आंकड़ा पार करने वाली शाहरुख खान की पठान ने साबित कर दिया है कि किंग खान के आगे पूरी दुनिया सिर झुकाती है। यही नहीं, पिछले हफ्ते भारत में 500 करोड़ रुपए के क्लब में प्रवेश कर चुकी इस एक्शन थ्रिलर फिल्म ने बीते दिन देश में भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, क्योंकि शुरुआती आंकड़ों के हिसाब से सिद्धार्थ आनंद निर्देशित इस फिल्म ने रविवार को बॉक्स ऑफिस पर 4.28 करोड़ रुपए कमाने में कामयाब रही। वही कथित तौर पर फिल्म की बढ़ती मांग के कारण इसकी स्क्रीन की संख्या में भी वृद्धि हुई थी। यही नहीं, मेकर्स ने वीकेंड पर टिकट की कीमतों को भी घटाया था। वही वीकेंड पर मेकर्स द्वारा खेले गए इस मास्टर स्ट्रोक का सीधा असर पठान की कमाई पर हुआ। वही अब कहा जा सकता है कि मेकर्स का ऑफर फिल्म के लिए एनर्जी साबित हुआ और फिल्म ने वीकेंड पर धमाकेदार कमाई करते हुए बॉक्स ऑफिस का टेबल पूरी तरह से उलट दिया है। यही नहीं, सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी पठान ने अपनी शानदार कमाई से एस राजामौली निर्देशित फिल्म बाहुबली 2 को पीछे छोड़ नया कीर्तिमान हासिल कर लिया है। वहीं पठान में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम पहली बार एक साथ स्क्रीन पर साथ नजर आए हैं और फिल्म का निर्देशन जहां सिद्धार्थ आनंद ने किया है, वहीं इसका निर्माण यशराज फिल्म्स द्वारा किया गया है। वही पठान 25 जनवरी 2023 को हिंदी समेत तमिल और तेलुगु में रिलीज हुई थी। यही नहीं, किंग खान के एक्शन के साथ साथ फिल्म में सलमान खान ने एक धमाकेदार कैमियो भी किया है और फिल्म में शाहरुख खान पठान नाम के एक रॉ फील्ड एजेंट के रूप में नजर आ रहे हैं, जो देश को आतंकवादियों से बचाने के लिए एक स्पेशल मिशन पर है। वैसे शाहरुख खान और सलमान खान को लेकर आपका क्या राय है, कमेंट सेक्शन में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।